तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य विभाग के मुखिया उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भले ही आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत हो, लेकिन चिकित्सा अधिकारियों की लापरवाही है जो उनके मंसूबों पर लगातार पानी फेरती रही। ताजा मामला उड़सला अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां एक लाचार मां अपने बच्चे को गोद में लेकर यहां से वहां भटकती रही, मगर उसे उड़सला अस्पताल में न डॉक्टर मिले न स्ट्रेचर मिला। अभी हाल में ही डिप्टी सीएम ने एक शिकायत पर अस्पताल प्रशासन से जवाब तलब करने के साथ ही जमकर क्लास भी लगाई थी। उसके बाद कानपुर से यह तस्वीरें सामने आती है, जहां न इस महिला को डॉक्टर मिलता है न ही स्ट्रेचर मिलता है। ये बेचारी महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर यहां से वहां भटकती रहती है। वीडियो संज्ञान में आया है, आज मैंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ भ्रमण भी किया है इमरजेंसी का। वैसे भी हम लोग रोज ही भ्रमण करते हैं, और उसमें जो आरोप उन्होंने दिया है कि स्ट्रेचर नहीं मिला और देखा नहीं गया, ये बात जो है कुछ वैसी लग नहीं रही है कि इस तरह की कोई घटना घटी है। फिर भी ये वीडियो में तो है, तो क्योंकि हमने इस ये 11:30-12 बजे का समय होता सुबह, हम लोग भी राउंड लेते हैं, दिन में डॉक्टर्स भी उपस्थित थे ड्यूटी पर इमरजेंसी में, सारा स्टाफ था, और मॉर्निंग में हमने वहाँ व्यवस्था भी की हुई है इमरजेंसी के सामने कि वहाँ पर स्ट्रेचर और वीडियो प्रचुर मात्रा में वहाँ 4-5 स्ट्रेचर और 4-5 चेयर्स जो हैं हर समय उपलब्ध रहती हैं, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए अतिरिक्त वार्ड बॉय और स्वीपर भी का कर्मचारी जो अस्पताल के 4th क्लास कर्मचारी हैं वो भी लगाए हुए हैं कि अगर किसी को ज़रूरत होती है तो पेशेंट को एम्बुलेंस से वो उतारते हैं, चढ़ाते हैं, ये सब व्यवस्था करते हैं। लेकिन ये जो वायरल हो रहा है वीडियो, इसमें बच्चा गोद में लेकर के महिला जा रही है, तो ये इसका जो है संज्ञान लिया है, और अगर ऐसी घटना घटी है कि उनको इलाज नहीं मिला है या उनको स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो हम इसकी जो है जाँच करा रहे हैं, और जाँच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ